हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन ये देखिए आपके सामने है। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है। ये लेडीज़ पैटर्न की डिज़ाइन है। ये जाली वाली डिज़ाइन है। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ पैटर्न पे इसका लेडी श्रग, लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ पुलोवर, लेडीज़ जैकेट या फिर स्टोल शॉल ये किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये जाली वाली डिज़ाइन है ओपन वर्क में। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखती है डिज़ाइन और फ्रंट साइड से इस तरह से डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कैसे बनती है इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 14 फंदे की डिज़ाइन है और ये 12 सलाइयों में डिज़ाइन बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सलाई के लिए 31 फंदे रखे हैं। 2 डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ और 14 फंदे के हिसाब से 2 डिज़ाइन 28 फंदे में बनेगी। 2 फंदा एच फंदे का है और 1 फंदा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए है साइड में। तो चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब फ्रेंड्स, फंदा को आगे करेंगे, जाली बनाएंगे और हम 3 फंदे को बैक लूप से, फंदे को सीधा करके बैक लूप से 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे और फिर से 1 फंदा आगे करके जाली बनाएंगे और फिर लपेट के उसको दोबारा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने जो 3 फंदे का 1 किया है तो 2 जाली बना के 3 फंदे को बना मेंटेन कर दिया। अब फिर से हम फंदा आगे रखेंगे और 3 फंदे को 1 फंदा करना है। तो अगली बार देखिए ये हम किस तरह से करेंगे। इसको फ्रंट सामने की तरफ से 3 फंदे को 1 फंदा करेंगे। अब फिर से हम फंदा आगे करके 1 फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि हमने 3 फंदे का 1 फंदा किया है और 1, 2, 3 फंदे बुन लेंगे सीधा। अब ये देखिए एक उल्टा बुन लिया, फिर 1, 2 सेम चीज़ हमें दोबारा इधर बनानी है। 14 फंदे की एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब दोबारा 14 का बन रहा है तो 3 फंदे हमने सीधे बुने, फिर फंदा आगे किया और 3 फंदे का 1 फंदा करना है बैक लूप से। ये देखिए हमने एक जाली बनाई और फिर लपेट के 1 उल्टा बुन लिया। अब फिर देखिए इस साइड का सेम उसी तरह से बनेगा कि फंदा आगे करके 3 फंदे का 1 फंदा करना है। इसको देखिए इसको किस तरह से करेंगे। ये थोड़ा सा अंदर सलाई डाल के ढीला कर लेते हैं तो आसानी से सलाई अंदर चली जाएगी 3 फंदे का 1 करने के लिए। फिर 3 फंदे का 1 फंदा कर दिया, फिर फंदा आगे करके 1 जाली बना के फंदे को बैलेंस किया और 3 फंदे सीधे बुने और 1 उल्टा बुन लिया, फिर 1 सीधा बुन लिया एज फंदा। तो इस तरह से हमारी 1 सलाई कंप्लीट हो गई। और फ्रेंड्स, उल्टी सलाई में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनना है। इसे ध्यान रखना है कि जहाँ पे उल्टी सलाई सीधा पे सीधा बुना हो उसे सीधा बुनना है। और इसी तरह से सलाई कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, उल्टी सलाई कंप्लीट हो गई। हम थर्ड रो पे आ गए। अब देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे, अब हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे। पिछली बार 3 बुने थे, अब 2 फंदे। और फंदा आगे करके फंदे को, फर्स्ट फंदे को घुमा के बैक लूप से 3 फंदे को 1 में करके बुनेंगे। 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे और आगे एक जाली बन जाएगी, फिर पीछे भी एक जाली बनेगी। ये देखिए फंदा आगे करेंगे और जाली बनाएंगे और अब हम देखिए 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। हमारा पिछली बार 1 फंदा बढ़ गया था, बढ़ गया जाली बनाने से, फिर 1 उल्टा बुना, फिर 1 सीधा बुना। अब फिर हम इधर के 3 फंदों को 1 फंदा करेंगे। देखिए हमने इस तरफ हमने सामने से 3 का 1 किया है और इसके पहले हमने बैक लूप से, फिर देखिए
इसी तरह से हम बुन लेंगे। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, सेकंड पैटर्न हमारा चल रहा है। फिर ये उल्टा बुन लिया, फिर एक दो सीधा बुना, फिर फंदा आगे किया, फिर बैक लूप से फंदे को घुमा के तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। तीन फंदे का एक फंदा कर लिया, एक फंदा आगे करके एक जाली बनाई, फिर एक सीधा बुना, फिर फंदा आगे करके उल्टा बुन लिया एक, और अब हम एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे, सेम उल्टा साइड उल्टा ही इसका बुनेंगे। फिर अब हमें फंदा आगे करके इन तीन फंदों का एक फंदा करना है, और ये सामने की साइड से हमें इसको फंदे का एक करना है। देखिए सलाई से मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा लूज़ कर लें तो आसानी से सलाई में चला जाएगा तीन फंदा, और तीन फंदे का एक फंदा किया तो अभी हमारे दो फंदे बन रहे हो गए। अब एक फंदा और बढ़ाएंगे फंदा आगे करके, और हमने दो फंदे और सीधे बुन लिए। तो इस तरह से ये उल्टा बुन लिया और एक स्टिच बुन लिया, तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये हमारी थर्ड रो थी। तो ये देखिए हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। और चौथी सिलाई हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड पे हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। हर सिलाई उल्टी सिलाई जो है इसी तरह से बुनी जाएगी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। इसको ध्यान रखना है कि जहां पे सीधा हो वहां सीधा जरूर बुन लें। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम पांचवी रो पे आ गए, फंदा स्लिप किया, फंदा उल्टा बुना, अब एक फंदा, अब हमारा एक फंदा हो गया सीधा। अब इधर के हमने तीन फंदे धीरे धीरे घटा कम किए हैं, और उधर उस साइड में हमने फंदों को इंक्रीज किया है। तो देखिए फंदा आगे करके तीन फंदे का एक फंदा कर लिया एक सीधा बुनने के बाद, और फिर फंदा आगे किया और तीन फंदे, अब हमारे एक दो तीन फंदे हो जाएंगे इस तरह से। तो एक उल्टा बुन लिया, फिर हमें इसी तरह एक दो सीधा बुना, फंदा आगे किया, और अब हमें एक दो तीन फंदे का एक फंदा करना है सामने की तरफ से। ये तीन फंदों को इस तरह से देखिए, इस तरह से किया, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से करना है। अब हमारे एक दो फंदे हुए, फंदा फिर आगे किया और एक दो बुन लेंगे, तो इससे हमारे तीन फंदे हो जाएंगे। अब एक उल्टा बुन लिया, फिर एक सीधा बुन लिया, फिर फंदा आगे किया, फिर फंदा घुमा के बैक लूप से तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर फंदा आगे कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर ये फंदा और सीधा बुन लिया, दो फंदे थे तो सीधे हो गए, अब उल्टे बुन लिए। अब इधर के हम दो फंदे सीधे बुन लेंगे, अब फिर एक जाली बनाएंगे और तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। तो ये देखिए इधर ध्यान दीजिए कि इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से, एक बार आगे से बैक लूप से बुनना है, एक बार सामने से बुनना है। फिर उसके बाद एक जाली बनाएंगे और एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, एक एच फंदा बुन के सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये पांचवी रो थी, छठी रो हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। तो फ्रेंड्स ये हमने छठवीं रो भी कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए हमारी डिज़ाइन आधी तैयार हो गई है। अब हमें डिज़ाइन में फंदे को ये दूसरी तरफ, हमें जो अब हमारे आगे की तरफ फंदे हमें बढ़ाए नहीं हैं, अभी हमने इधर
इंक्रीज़ किया था, अब इधर हमें इंक्रीज़ करना है। और राइट साइड में हम इंक्रीज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए, फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना। अब ये हमारे जो एक फंदा बचा है तो इसको हमें धीरे धीरे फिर बढ़ाना है। तो उसके लिए उल्टी फंदे के बाद फंदा आगे करके तीन फंदे का बैक लूप से एक करना है। तो एक जाली बनते हुए एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर फंदा आगे करेंगे जाली बन जाएगी, और एक दो तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे तीन दुनी छः फंदे कंप्लीट हो गए। फिर एक उल्टा बुन लिया, फिर हमें इसी तरह से तीन फंदे फिर बुनने हैं, और फंदा आगे करेंगे जाली बनाएंगे, और हमें एक दो तीन फंदे, तीन फंदे का एक फंदा करना है। फंदा अंदर से ढीला कर लें सिलाई में डाल के, और सामने से तीनों फंदे को एक कर देंगे, और एक फंदा उल्टे के पहले एक फंदा आगे कर लेंगे और उसे लपेट लेंगे, तो हमारा तीन फंदा कंप्लीट हो जाएगा। और एक उल्टा बुन लिया, अब फिर फंदा आगे रहने देंगे क्योंकि हमें जाली बनानी है, और तीन फंदे का एक फंदा बैक लूप से करना है। तो तीन फंदे का एक फंदा किया, तो अब दो फंदे ये हो गए, और एक फंदा और आगे बढ़ाना, जाली बना के बनाना है। तो ये हमारी जाली और तीन फंदे सीधे। तो इस तरह से हमारे ये छः फंदे कंप्लीट हो गए। अब एक फंदा उल्टा बुन लिया, फिर एक दो तीन फंदे सीधे, फिर फंदा आगे जाली के लिए, फिर हमें एक दो तीन, तीन फंदे हमें तीन फंदे को ढीला करना है, और सामने से तीन फंदे को एक फंदा करके बुनना है। तो अब हमारे दो फंदे हो गए, एक फंदा भी कम है, तो हम आगे फंदा करके जाली बनाएंगे, और एक बार लपेट के उल्टा बुन लेंगे, तो हमारा एक जाली से फंदा बना बराबर हो जाएगा। और एक फंदा उल्टा बुना, एक एच फंदा। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। सेवेंथ रो, एट रो हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। अब फ्रेंड्स, अब नवीं नाइन्थ रो पे हम आ गए। अब इसमें देखिए, हमें इस तरफ के फंदे बढ़ाने हैं। हमने एक फंदा बढ़ाया, और डिज़ाइन हमारी ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। इस तरह से हमारी डिज़ाइन जाएगी जाली बनते हुए, इस तरह से जाएगी। तो अब हमें अभी हमने एक जाली बनाई, बना के एक फंदा बढ़ाया, तो उल्टे के बाद तो एक जाली बनी है, तो एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक जाली, फिर अब हम बैक लूप से तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। फंदा घुमा लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। अब हमें राइट साइड में फंदों को इंक्रीज़ करना है, और लेफ्ट साइड में फंदों को डिक्रीज़ करना है। तो फिर एक जाली बना के फंदा तीन मेंटेन कर लिया, फिर दो इधर, दो राइट साइड, लेफ्ट साइड में दो फंदे हो गए। अब एक उल्टा बुना, फिर दो उल्टा बुना, फिर फंदा आगे किया, और एक जाली बनाते हुए तीन फंदे का एक फंदा करेंगे, और दो जाली बना के फंदे को मेंटेन कर लेंगे। तो इसको जो है थोड़ा अंदर सिलाई डाल के फंदे को ढीला कर लेंगे, और दो तीन फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। अब ये देखिए, फंदा आगे किया, फिर एक फंदा सीधा बुन लिया। तो ये हमारे तीन फंदे कंप्लीट हो गए, छः फंदे, और एक उल्टा बुन लिया। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पैटर्न भी सेम इसी तरह बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे, फिर फंदा घुमा के बैक लूप से तीन फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर जाली बनाते हुए, तो एक जाली और एक तीन फंदे का एक फंदा, दो फंदा हुआ, फिर एक जाली बना लेंगे, और जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे। एक जाली बनाई, फिर एक और एक, ये दो फंदा, फिर एक उल्टा बुन लेंगे, फिर फंदा पीछे करके दो उल्टा सीधा बुन लेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे, फिर तीन फंदे का एक फंदा करके जाली, तीन का एक करेंगे जाली बनाते हुए, फंदा आगे करेंगे तो जाली बन जाएगी, और फिर एक फंदा, एक जाली बाद में बनाएंगे, फंदा आगे करके जाली बना लेंगे, एक सीधा बुन लेंगे और एक उल्टा बुन लेंगे।
अब उल्टी साइड में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये हमारी 10वीं सिलाई है, उल्टी सिलाई, उल्टी साइड की 10वीं सिलाई है। अब 2 सिलाई में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो कर लिया मैंने 10वीं सिलाई। अब 11वीं रो पे हम आ गए 11th रो पे। अब फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब एक, अब इधर के फंदे हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं फंदे, हमें 3 फंदे इधर करने हैं। तो एक, दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे बैक लूप से। ये देखिए 3 फंदे का एक फंदा कर लिया बैक लूप से और फिर एक जाली बना के अब हमारे 3 फंदे को मेंटेन कर लेंगे। फिर एक जाली बनाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फंदे एक तरफ के बैलेंस हो गए। अब एक उल्टा बुन लिया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फंदा आगे किया, अब 3 फंदे को एक फंदा करना है और सीधी साइड से इसको अंदर ढीला करते हुए और 3 फंदे को एक फंदा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा करके अब हमने हमारे 2 फंदे हो गए, 3 फंदे का एक फंदा, एक जाली और एक फंदा, एक फंदा आगे करके एक जाली और बना लेंगे। तो हमारे 3 फंदे कंप्लीट हो गए और सीधा बुन लिया। अब ये देखिए ये हमारे कंप्लीट हो गए और एक उल्टा बुन लिया, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पैटर्न भी इसी तरह 3 फंदे हमें बनाने हैं, तो 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर एक फंदा आगे करके जाली बनाएंगे और एक फंदा बन जाएगा। तो 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, 3 फंदे का एक फंदा किया और फंदा आगे किया, फिर एक फंदा सीधा बुन लिया तो हमारे 3 फंदे बन गए और एक उल्टा बुन लिया। फिर फंदा, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदा आगे करके 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा, फंदा आगे करके 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। फंदा ढीला कर लें सिलाई से अंदर डाल के, तो आसानी से एक फंदा 3 फंदे का एक फंदा हो जाता है। फिर फंदा आगे किया और एक सीधा बुना, तो ये हमारे 3 फंदे कंप्लीट हो गए। एक उल्टा बुन लिया और एक फंदा, एक फंदा सीधा। अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई 11वीं रो। अब 12वीं रो हमारी उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा, तो ये हमारी पूरी 12 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने 12 सिलाइयों की डिज़ाइन पूरी कर ली है। अब हमारे हमें नेक्स्ट डिज़ाइन फर्स्ट से 12 हमें बुनना है। ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई है। तो मैं अभी 2 सिलाइयाँ और बना के डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होगी मैं बनाना शुरू कर दूँगी कि कैसे डिज़ाइन आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए ये 3 फंदे हैं, 3 फंदे हमने से स्टार्ट किया था, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था, फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे, फिर बैक लूप से फंदे को घुमा के बैक लूप से 3 फंदे का एक फंदा करते हुए एक जाली बना लेंगे फंदा आगे करके, फिर फंदा आगे करके एक जाली बनाएंगे और एक बार लपेट के एक उल्टा बुन लेंगे। फिर अब ये देखिए फंदा आगे रहने देंगे और 3 फंदे का एक फंदा सामने से बुनेंगे करेंगे, उल्टे के बाद एक जाली बनेगी तो उसके लिए फंदा आगे ही रहने देंगे और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर फंदा आगे करके फिर फंदे को आगे करके 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया।
और एक उल्टा बुन लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी दूसरे पैटर्न में बुन लेना है। तो एक दो तीन सीधा बुन लिया, फंदा आगे किया, अब एक फंदा फंदे को सीधा कर लेंगे और बैक लूप से तीन फंदे का एक फंदा करते हुए बुन लेंगे जाली बना के। फिर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे और फिर एक बार लपेट लेंगे, फिर उल्टा बुन लेंगे, फिर फंदा आगे रहने देंगे, फिर तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। तो इस तरह से जाली बन जाएगी फंदा आगे रहने से, और तीन फंदे का एक फंदा, दो फंदा हो गया। फिर एक फंदा आगे करके एक जाली और बना लेंगे और तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। अब फिर से फंदा आगे करके जाली बना के तीन फंदा मेंटेन कर दिया और तीन फंदे सीधे बुन लिए। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। और ये एक उल्टा एक एच फंदा भी बन लिया लास्ट में। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब उल्टी सिलाई, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया। उल्टी सिलाई मैं इसलिए बुन दे रही हूँ कि ताकि डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स मैंने उल्टी सिलाई पूरी बुन ली। और अब ये देखिए, ये पूरी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। ये पूरा फर्स्ट पैटर्न एकदम नज़र आने लगा। तो फाइनली हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। और देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसी तरह से हम आगे डिज़ाइन थर्ड रो से स्टार्ट 12 तक आगे बुनते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये डिज़ाइन बुनने के बाद इस तरह से बन के तैयार होती है। और ये डिज़ाइन जो मैंने अभी बनाई है, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरह से बनती है। तो ये डिज़ाइन इस तरह से देखिए, इसमें इसकी रो इस तरफ से जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये ब्लॉक की शेप में इसका डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया बहुत।